रखें आपको। ओ माय गॉड, इतिहास वही रस्ते है जो सब कुछ भूल जाते, जिनको उस काम को करने में मजा आता है ना, वही उस काम में इतिहास रख सकते। और अगर आप किसी काम को कर रहे हो, मेरी बात को थोड़ा साइकोलॉजिकली समझना, और अगर उसको आपको करना पड़ रहा है, काम समझ के करोगे तो करना पड़ेगा तो एफर्ट लगेगा तो थक जाओगे। मैं 2 घंटे की अगर लेक्चर आपको दे रहा हूं तो 2 घंटे के में उतने ड्यूरेशन का हिंदी में भी लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, और थोड़े बहुत बच्चे और भी उनके लिए भी लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, तो दिन में तो 6-7 घंटे तो रिकॉर्डिंग करता हूं मैं इतनी एनर्जी से। उसके लिए पीपीटी बनवाना, क्वेश्चन बनवाना, ये सारे काम अलग होता है। आप समझते हो 6 घंटे की रिकॉर्डिंग के लिए 10 घंटे लगते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में कभी लाइट चली गई, पीपीटी अरेंज करना, कंप्रेस करना, फाइल बहुत मेहनत का काम है, इसको फाइल को कंप्रेस करना, अपलोड करना, बहुत सारे काम होते हैं। मैं ये कर नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं ये सोच के काम करूं ना कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा 2.5 घंटे, वो पढ़ाने से पहले ही थका महसूस करूंगा यार। 2 घंटे पढ़ाना है, इंग्लिश भी पढ़ाना है, हिंदी मीडियम में भी 2 घंटे पढ़ाना है, बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा काम है तो मुश्किल है, क्योंकि काम में एफर्ट लगता है। लेकिन मैं ये सोच के आऊँ कि यार छोटे बच्चे को सिखाना है यार, ये चीज आज मजा आएगा, तो मैं पहले यार मुझे दिमाग में टाइम का पता ही नहीं चल रहा, मैं करता जा रहा हूं। ऑफलाइन क्लासेस में 8-8 घंटे लगातार क्लास में 300-400 बच्चे ऐसे बैठे होते हैं, इससे दुगनी एनर्जी से पढ़ाना पड़ता है तो भी नहीं थकते अपन, क्योंकि ये काम को मैं समझ के करूंगा तब थकूंगा, और ये साइकोलॉजिकली फर्क पड़ता है बेटा। आप किसी काम को करने में थक रहे हो तभी जब आपको उसमें मजा नहीं आ रहा, अगर किसी काम को करने में मजा आ जाए ना तो उसमें कभी आप नहीं थकते। कभी तुमने ये बोला है कि सर मैंने आज 6 घंटे बहुत एफर्ट लगाकर टीवी देखने की कोशिश करी है, 5 घंटे क्रिकेट मैच आज हमने देखा है? नहीं, आप लगातार देख लेते हो, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जिस काम में आपको मजा आए उस काम में कभी आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप हो जाता है, उसमें आप नहीं थकते हो। बॉडी असल में थक जाएगी लेकिन दिमागी रूप से आप तंदुरुस्त रहते हो। क्यों? क्योंकि उसमें एफर्ट लगाने नहीं पड़ा, हो रहा है तुमसे, अपने आप हो जाएगा। देखो ना, तुम अब कभी सोचो, क्या तुमने कभी कोशिश किया है जबरदस्ती एफर्ट लगा के बैठ के टीवी देखने की? नहीं। टीवी अगर देख रहे हो मजा आ रहा है तो 3-4 घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। वही काम पढ़ाई में भी हो सकता है। ऐसा क्यों है कि पढ़ाई करते समय तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ता है? क्योंकि पढ़ाई को तुम काम समझते हो, टीवी देखने को तुम काम नहीं समझते हो, इंटरटेनमेंट समझते हो। जिस दिन पढ़ाई को काम समझना बंद कर दोगे, इसमें तुम्हें मजा आने लगेगा। किसी दिन आराम से मेरी बात को 2 मिनट बैठ के अंधेरे कमरे में सोचना और ये चीज महसूस करना कि मास्टर के सच में कह रहा है, डॉक्टर हो यार, साइकोलॉजिकल गेम है ये सब, तुम सोच सकते हो, और इसमें मजा आने लगे तो गेम बदल जाएगा। जबरदस्ती मेहनत करके तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, लिख लो। अगर कोई कहता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैं कहता हूं कोशिश करने वाला हमेशा हारता है। लिख ले इस बात को, मैं मजाक नहीं कर रहा। किसने बोला कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती? गलत कह रहा है वो। कोशिश करने वाला हमेशा हारता है, क्योंकि अगर कोई काम कोशिश करके की जाए, अगर मैं इस कलम को ना जितने आराम से पकड़ूंगा ना, मेरे हाथ में आराम से पड़ा रहेगा ये, लेकिन मैं इसको दबा के पकड़ूंगा ना, जोर से पकड़ूंगा ना, ऐसा एक फील कर, एक्सपेरिमेंट कर, आज कर एक्सपेरिमेंट और बताना कि तूने क्या सीखा। जरूर बताना बेटा तूने क्या सीखा। देखो इस कलम को ना मेरे आराम से मैंने पकड़ लिया, वो दिक्कत नहीं, आराम से पकड़, अब मैं इसको 200 दिन तक ऐसी पकड़े रह सकता हूं। मतलब मेरे कहने का मतलब है 2-4 घंटे में ऐसे पकड़े रह सकता हूं, लेकिन अगर मैं जितना जोर से दबाने की कोशिश करूंगा, जितना इस पे एफर्ट लगाऊंगा, 5 मिनट में हाथ थक जाए। ठीक, क्या हुआ? ऐसा है कि इस काम को जबरदस्ती करने की कोशिश करी मैंने, एफर्ट लगाया, कोशिश करा खूब सारा। जितना ज्यादा मेहनत करके करोगे, जितना ज्यादा एफर्ट लगाओगे, उतना थकोगे। और अगर तुम्हें इस काम में जिस दिन मजा आ जाएगा, तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जीतेगा वही, करने में मजा आ रहा है, वही डॉक्टर बनेगा। लिख ले, जबरदस्ती नहीं बन सकते। बड़ी फिजिक्स पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे हमें सफलता मिलेगी, तो रामलाल है तो कुछ नहीं मिलेगी। कोशिश करके देख ले, मुझे फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, 4 सवाल सॉल्व कर लेता हूं तो कॉन्फिडेंस आता है, 4 नहीं करता हूं तो और कॉन्फिडेंस आता है कि गलत क्यों हो रहा है उसको सही सीखूंगा। गलत हो जाए तो रोना बंद कर दे, गलत हो जाए तो याद रखना कि तुम्हें सीखने को मिलेगा, ये तुम्हें नहीं आ रहा। अच्छी बात है गलत हो रहा है, एग्जाम में गलत हो जाता तो, आज गलत हो गया तो अच्छा है ना यार।
सुनो प्लीज मेरी बात, कोई साइकोलॉजी समझो, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम है ये। अगर तुम कोशिश कर रहे हो तो कभी नहीं।